ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई हो तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई है आपका दोस्त आपका पड़ोसी आपका गवांडी आपका हमसाया आपका प्रेजेंटर आपका मेजबान आपका होस्ट राजा हैदर प्रोग्राम है प्यार इश्क और मोहब्बत और आप सुन रहे हैं पावर 99 आपके दिलों की धड़कन एक बार फिर शब के जागे हुए तमाम मुसाफरों और आशिकों को पावर 99 की पूरी टीम की जानिब से और राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर है कई दिनों की मुसाफत के बाद जब हम आज के रोज आपकी इस महफिल में आके दस्तक देने की कोशिश करते हैं तो यकीन कीजिए वजूद में अजीब सा जलजला होता है होठों पे तबस्सुम आंखों में मुस्कुराहट और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी शर्मिंदगी इसलिए कि 5 दिन हम आपके बिना रहे भी और वो भी जिंदा ये दावेदार कितने झूठे होते हैं कि हम तो आपके बिना एक पल नहीं जी सकते हैं मर जाएंगे हम कौन मरता है किसी के बिना मगर मौत की फिक्र मत कीजिएगा वो जो ऊपर बैठा है ना जिसने हमें पैदा किया है और हमारी सारी जिंदगी उसने अपने कलम से लिखी है बस यही खुशखबरी है कि मरने के बाद भी इस चीज का एहसास नहीं होगा कि हम कभी जिंदा थे क्योंकि वहां की रानाइयां वहां की रफ्तें वहां की खुशबुएं वहां के इतने मौजदात हैं कि हमें ये लगेगा कि हमने सारी जिंदगी जीकर क्या किया है मगर उसके लिए हमें कई बार मरना है यहाँ अपने आप से लड़ना है यही तो है वो हाथ जो हर रात आपको लेकर जाता है उस सरजमीन पर जहाँ नफरतों और कदूरतों का कोई काम नहीं है जहाँ सिर्फ प्यार है इश्क है और मोहब्बत है फिर पेश नजर सूरत महताब है कोई या मेरी निगाहों में नया ख्वाब है कोई ये बात गरा ख्वाब को अब कौन बताए तेरे लिए इस रात में बेख्वाब है कोई पलकों पे जो रोशन है सरे शान तमन्ना वो अश्क नहीं गौहर नायाब है कोई
ये सिर्फ करिश्मा है मेरी, चश्मे तलब कहां, सहरा में कहां गुलशन शादाब है कोई। नावाकिफ़े आदाब मोहब्बत को खबर क्या, कब से रहे उम्मीद में बेताब है कोई, कब से रहे उम्मीद में बेताब है कोई। कोई वादा नहीं हम में ना आपस में बहुत बातें, न मिलने में बहुत शौकी, न आखिर शब मना जाते हैं, मगर एक अनकही सी जो हम दोनों समझते हैं, ये सारे दिल भरा मंजर तिलिस्मी चांदनी रातें, सुनहरी धूप के मौसम ये हल्के सुख के बरसातें, सभी एक जिद में रहते हैं, मुझे बेहम ये कहते हैं, मोहब्बत यूं नहीं अच्छी, मोहब्बत यूं नहीं अच्छी, मोहब्बत जैसे भी हैं हमें तो अच्छे लगते हैं, तुम्हारा भरोसा नहीं है, मोहब्बत में भरोसे की भी जरूरत नहीं है। कुछ लल्लू लोग अपने किताबों में लिखते हैं कि मोहब्बत में यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, तो दिलाओ दिलाओ यकीन थे। जो लोग ये कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, वो भी लल्लू है, जान दे के भला यकीन कौन दिलाता है, जान तो बुझ दिल दिया करते हैं। ले अपनी ही बातों को टाल रहा हूं, तेरे इस दीवाने ने अपनी जान भी तुझे दे दी सबसे बड़ा बुजदिल बना दिया है तूने। तू जानती है रात भर एक एक पल गिन गिन के गुजारता हूं मैं, सोने का तिलिस्म देखता हूं मैं, सांसों के उखड़ने का मंजर कभी देखा है तुमने? नहीं ना। मदहोश निगाहों का भरम क्या होता है जानते हो? नहीं ना। पर मैं जानता हूं मेरी ख्वाहिशों में सबसे बड़ी ख्वाहिश कि दुनिया में इतना चाहूं मैं तुझे कि आज तक कोई किसी को ना चाहता हो। ख्वाब की बातें लगती है ना, पर तेरा ये राज ऐसा करके दिखाएगा। इश्क और मोहब्बत, मैं हूँ राजा हैदर, आप सुन रहे हैं भाव 99। हमारा नंबर जानते हैं आप, 111-00-9999। इस पे ऑफर करके फोन आप अपने मन की बात हमसे कर सकते हैं। प्यार क्या है भाई साहब, प्यार क्या है, ये दवा की खराब हालत का नाम है क्या? इसका जवाब वैसे कुछ भी नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है कि प्यार में जवाब नहीं दिया जाता। खराब हालत का नाम हो सकता है बहुत सारे खराब दिमागों के लिए। जो चीज मेरे रब ने क्रिएट की है उसमें सांप भी है, सांप का जहर भी है, सांप के नक्शो निगार और खूबसूरती भी है। जो चीज मेरे रब ने बनाई है वो शहद भी है, जो चीज मेरे रब ने बनाई है वो जहर भी है। अब ये सारी चीजें, जहर जिंदगी देने के काम भी आता है बहुत सारी मेडिसिन में, और मोहब्बत किसी को पचे ना तो मर भी जाता है और उसका दिमाग भी खराब होता है। लेकिन दिमाग की खराब हालत हो नहीं सकती, ये जिंदगी जो है ना एक जबरदस्ती डिश है। आप अगर इसमें प्यार के घी में पकाएंगे इसको, मुस्कुराहट की आंच तेज रखेंगे ना जरा, नफरत के धुएं से बचा के रखेंगे, खुशियों का बघार दें और गुस्से की जो सुर्ख मिर्च है वो कम डालिएगा। हाँ, पाकीज़ा जज्बात और सच्चे प्यार का दही डालना मत भूलिएगा। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो काफी मजेदार डिश बनेगी, और इस डिश का नाम दिमाग का खराब होना नहीं है, प्यार इश्क और मोहब्बत है। फवाद शाह साहब, आपने हमें मैसेज किया और आप पूछ रहे हैं कि प्यार जो है ये परमानेंट अट्रैक्शन है या टेम्परेरी है। देखिए, मोहब्बत जो है कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं जिन्हें हम ये समझ लेते हैं कि ये शायद मोहब्बत है, मोहब्बत ऐसी नहीं है। कुछ चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे बहुत अच्छा सा कोई मोबाइल फोन, आईपैड, कोई लैपटॉप, कोई बहुत ही जबरदस्त नए गैजेट की कोई चीज, या कोई इंसान जो
चीजें यूज करता है, खवातीन में ज्वेलरी है, मेकअप है, आपको नींद तक नहीं आती है उसको हासिल करने के लिए। आप देखते हैं हर एक से डिस्कस करते हैं, कोई बहुत बढ़िया सी गाड़ी, बहुत बड़ा सा घर, जिसकी जितनी सोच, ये सारी जो होती है, जब आप चीज पा लेते हैं तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है। ये सब चीजें मोहब्बत नहीं है। हमें लगता है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, यार मैं तो पागल हो गया उस चीज के पीछे, वो चीज है। और जो प्यार है ना, ये परमानेंट है। जब घुस जाएगा ना अंदर, तो ये दिन में भी वॉट लगाएगा, रात को भी लगाएगा, सुबह भी लगाएगा, और शाम को भी लगाएगा। सच्ची मोहब्बत टेम्प्ररी हो ही नहीं सकती है। सहूलत हो वजीयत हो तुम्हारे साथ रहना है, क्या कोई भी सूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। हमारे राबते हैं इस कदर तुम हो और बस तुम हो, तुम्हें सबसे मोहब्बत हो तुम्हारे साथ रहना है। और अब घर बार जब हम छोड़ कर आ ही चुके हैं, तो तुम्हें जितनी भी नफरत हो तुम्हारे साथ रहना है। हमारे पांव में कीलें और आंखों से लहू टपके, हमारी जो भी हालत हो तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें हर सुबह और हर शाम है बस देखते रहना, तुम इतनी खूबसूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। तुम इतनी खूबसूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। मेरी नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, तुमसे ज्यादा हसीन शायद कोई होगा नहीं। एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा हसीन अगर है भी तो मैं उस दिन अपनी आंखें फोड़ दूंगा जब किसी और का चेहरा मेरे मन को भाग गया। मैं उस दिन अपनी जबान काट के अपनी हथेली पे रख दूंगा जिस दिन इससे तुम्हारे अलावा किसी और के लिए मोहब्बत के अल्फाज निकले। नाक कटवाने का अमल तो सुना है ना, मैं सच में अपनी नाक काट दूंगा अगर तेरे जिस्म की, तेरे मोहब्बत की, तेरे प्यार की खुशबू की बजाय किसी और के तन की महक आई तो। मैं अपने हाथ ये काट के फेंक दूंगा अगर ये किसी और के लिए तो हमें उठे तो। तू है ना रब का तोहफा, रब से और कुछ नहीं मांगूंगा। मैं अपने इन कदमों को काट के अपने आप को अपाहिज कर दूंगा अगर ये किसी और के घर की तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे। मैं अपना दिल निकाल के तेरे कदमों में ढेर कर दूंगा अगर ये किसी और के लिए धड़का भी दूं। अपने लहू की एक एक बूंद को जला दूंगा अगर इसमें तेरे सिवा किसी और का नाम आया तो। देख, अपनी कान तक उधेड़ दूंगा अगर इसने किसी और को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की तो। ये सब तो मैं हूं, अब तू बता तू क्या कर सकते। ए ललो, तेरी तारीफ में कुछ भी कहूं ना तो बहुत कम है, इससे कई गुना ज्यादा हसीन है। ए ललू, तू सुन रही है ना, तू सुन रही है ना, तू सबसे हसीन है, सबसे बेस्ट है तू, सबसे आलीशान नंबर वन है, तेरे जैसा तू ही है, बस तू ही है। ये पर्सन मैं हूँ राजा हैदर, आप सुन रहे हैं पावर 99 111 00 99 99। हमारा नंबर है, इस पे आप कभी भी आके बात कर सकते हैं और फिर भी, और एक ट्रैक के बाद अभी ऑन एयर भी जाएंगे। सनी स्पेन से हैं जी। सलाम राजा भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें सलाम कहा जी और प्रोग्राम को पसंद किया। एक चीज
जो मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है pawan99.com.pk, वहाँ पे आप जाके अगर कोई भी आपको बात करनी है, फरमाइश करनी है, तो वहाँ नजीब साहब की जो एक ईमेल आईडी है वहाँ पे जाके आप कह सकते हैं, और बस आपको जो भी अपने मन में छुपी हुई चीज महसूस हो कि हमारे प्रोग्राम को मजीद कितनी देर का होना चाहिए, कितना अच्छा करना है, मजीद क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, और एनिवर्सरी भी आ रही है बहुत जल्द, आपको एक जबरदस्त प्रोग्राम सुनने को मिलेगा पावन 99 के एनिवर्सरी इसी महीने, और वो भी जिक्र कर ही दिया जाएगा कैसे शानदार तरीके से मनाते हैं। फिलहाल तो आपके और अपने बीच में हायल नहीं होंगे, थोड़ी देर में ही कॉल लेने जा रहे हैं, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन मोहब्बत की सरजमीन पर ले जाकर ही सुनाया जाएगा। हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, खुद ब खुद नींद सी आंखों में घुली जाती है, महकी महकी सी है शब गम तेरे बालों की तरह, तेरे बिन रात के हाथों पे ये तारों के अयाग, खूबसूरत है मगर जहर के प्यालों की तरह, गुनगुनाते हुए दर आ कभी इन सपनों में, तेरी खातिर जो महकते हैं शवालों की तरह, तेरी जुल्फे तेरी आंखें तेरे अबरू तेरे लब अब भी मशहूर हैं दुनिया में मिसालों की तरह, हमसे मायूस ना हो ऐ शबे दौरा के अभी, दिल में कुछ दर्द चमकते हैं उजालों की तरह, मुझसे नजरें तो मिलाओ के हजारों चेहरे मेरी आंखों में सुलगते हैं सवालों की तरह, और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ मछालों की तरह, जस्तजू ने किसी मंजिल पर ठहरने न दिया, हम भटकते रहे आवारा ख्यालों की तरह, जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। ये मोहब्बत में नाकामी आती ही क्यों है, मोहब्बत में धीरे धीरे रफ्तार से चलते हुए हम एक दूसरे के वजूद के अंदर उतर क्यों नहीं जाते, हम कभी किसी एक के होकर रहने की कोशिश करें तो हालात रहने नहीं देते, बकवास है नहीं सब। किसने कहा था मोहब्बत की राहों पे चलने की दुआ करूं, हमेशा बड़े यही कहते हैं कि दुआएं कबूल हो जाया करती हैं, कभी कभी दुआ मांगने के लिए बड़ा चीखना पड़ता था, निगाहें आसमान पे गाड़ के आंखों में आंसू, दामन फैला के कहता था कि रब मुझे दे दे वो सब जिस जिसकी तमन्ना इस दुनिया में सब करते हैं। रब ने कहा सोच ले, सब मिल गया तो फिर कुछ और नहीं मांग पाएगा। मैंने कहा दे दे मेरे रब मुझे वो सब जिस जिसकी ख्वाहिश हर एक के दिल में है। फिर से यही एक गैब से आवाज आई कि हां सोच के बोल, मेरे यहां से कोई वापस जाता नहीं है। तब थोड़ा सा सोचा कि बार बार सोचने को कहा गया, यह आवाज तो मेरे जमीर के अंदर से कहीं आती है, क्योंकि बड़ों ने कहा है कि रब हमारे दिल में रहता है और दिल में से जिसकी सच्ची आवाज निकलती है वो रब ही तो है। मैंने कहा रब मुझे बता कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। सो गया, खाब में देखा तो हरियाली है, मैं अकेला हूं, दुनिया में सब अपने अपने प्यार अपने अपने महबूब की बाहों में बाहें डाले प्यार के झूले झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरे हाथ में सोने चांदी के जेवर हैं, महंगी पोशाक पहनी है, मगर दोनों हाथ खाली, न कोई मेरा है न मैं किसी का। फिर समझ आई, बेदार होते ही कहा मेरे रब कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोटी तो तेरी जिम्मेदारी है, तू देता रहेगा, मुझे मेरा प्यार दे दे। तब आवाज आई ले, मांग लिया और हो गया, कबूलियत की घड़ी थी, मिल गया मेरा प्यार। तुझे हजार मां से ज्यादा चाहता हूं मैं,
एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना कीमती होता है, हजार माँओं से ज्यादा। तेरा ये राज तुझे प्यार करता है, तुझे यही कहूंगा कि रुक जा, तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा अपनी जिंदगी से। मैं हूँ राजा हैदर, आप सुन रहे हैं पावर 99 111 0999। ये है हमारा नंबर और इस नंबर पे अभी तमाम लाइनें खुली हैं, आप आके अपने मन की बात कर सकते हैं। कौन है हमारे साथ इस वक्त? लाइन नंबर वन लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो जी, मैं कमल बात कर रही हूँ, कैसे हैं राजा भाई? मैं ठीक हूँ कमल, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्लाह के शुक्र। क्या कर रही थी इस वक्त? रेडियो सुनने के अलावा प्रोग्राम सुन रही थी। ओके, तो खाना वाना हो गया, सब फिनिश हो गया? हाँ जी, खाना फिनिश कर लिया कमल। बस खाना भी हो गया, बर्तन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं फारिग होकर आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। तो बर्तन कैसे खा लिए आपने? इतना टेस्टी खाना नहीं रही, मतलब वो धो लिए, मतलब मैंने धो लिया। तो अच्छा, ये ड्यूटी रात को ही खत्म करके सोती हैं? जी अल्लाह का मतलब शुक्र है कि मैं यही करती हूँ, मेरी ये आदत है। आदत है, अच्छा बर्तन धोना मेरी भी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के घरों के बर्तन मुझे दे दो, बस मैं धोता रहूँ सारे। नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा राजा भाई, मैंने आपको कुछ सुनाना था। सुनाइए। पहले मैं आपको पोएट्री सुनाती हूँ। सुनाइए। युराहे वफा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया, बड़ा पुरखतर था ये रास्ता, तेरे लौट जाने का शुक्रिया। जो उदास है तेरे हिज्र में, जिन्हें बोझ लगती है जिंदगी, तेरे बज़्म ही उन्हें देखकर तेरे मुस्कुराने का शुक्रिया। तेरी याद किस किस भेज में मेरे शेर व नगमा में ढल गई, ये कमाल था तेरी याद का, मुझे याद आने का शुक्रिया। जो जमाने भर का उसूल था, वो उसूल तूने निभा दिया, यही रस ठहरी है मोतबर, मुझे भूल जाने का शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मतलब आजकल शुक्र है कि वो SMS वाले शेरों से तो अच्छा, ये जानकर उसकी हर बात पे यकीन कर लिया फराज, इतने हसीन लबों से वो झूठ कैसे बोलती है। तो इतने इतने अजीब गरीब शेर, ये तो फिर भी काबिल है अशाद तर्जुमा, अशाद कर दी इसकी, लेकिन बाकी कोई मुश्किल ही होता है। अच्छा, और किसी के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? कमाल। और ये पैगाम देना चाहूंगी मैं सारे लिसनर्स को कि प्लीज कभी किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेला करें। ठीक है। और अगर आप प्यार करते हैं तो प्लीज उसे सही तरह से क्या करें, फ्लर्ट बिल्कुल मत क्या करें। सही तरह से कैसे, मतलब क्या क्या करें? मतलब कि फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो सच। अच्छा देखिए, अब इसका क्या था फॉर्मूला है? अब एक बंदा फ्लर्ट कर रहा है लेकिन वो सच्चाई का यकीन दिलाएगा ना आपको, तभी तो वो फ्लर्ट कर पाएगा। कैसे पता चलेगा ये फ्लर्ट कर रहा है या सच्चाई? तो यही तो मसला है ना, पता नहीं चलता। अगर पता चलता हो तो इंसान के अपने आप को, यही तो कमाल है। इसी के लिए तो हम कहते हैं सुनते रहिए प्यार इश्क और मोहब्बत, हम यही तो जवाब देते हैं। किसी ने खुदा से पूछा कि मुझे अमन चाहिए, गैब से आवाज आई मुझे को खत्म कर दो क्योंकि ये खुदी है, फिर चाहिए को भी खत्म कर दो क्योंकि ये ख्वाहिश है। उसने कहा था ना मुझे अमन चाहिए, ये तीन लफ्ज बोले थे, मुझे को खत्म कर दो ये खुदी है, चाहिए को खत्म कर दो ये ख्वाहिश है, अमन खुद बहुत कायम हो जाएगा। बस आप प्यार मांगते हुए मुझे प्यार चाहिए ये कभी मत कहिएगा, सिर्फ प्यार कहिएगा, देने वाला जिस तरह दे बस लेती जाइए। आप जानते हैं ना सिकंदर आजम की कब्र परदेश में बनी है, फातह हिंदुस्तान बल्कि फातह दुनिया कह लीजिए सिकंदरिया में जाकर खत्म हो गया। जब ये असल वाक्य समझ में आया कि घर से कब्रिस्तान तक का सारा सफर, तो फिर फतह क्या होती है? अगर अंग्रेज फतोहात में लगा है तो अंग्रेज बर्बाद हो गया। वो जो इतने बड़े बड़े शऊर वाले लोग वहां बैठे हैं ना, व्हाइट हाउस में बैठे हैं, हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, ब्रिटिश जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, अब उसके सितारे डूब जाते हैं। हम मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि इस चीज पर अंग्रेज ने उसे नहीं लगाया, बल्कि मुसलमान जिक्र की वजह से और जिक्र की बदौलत ही कायम है। आप अगर जिक्र नहीं करते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। इंसान मौत को फतह नहीं कर सकता, ऐसा होता है कि एक तो फरिश्ता है उसको मार दो, इसराइल को फारिग कर दो, अगर वो कहते हैं ये हमसे नहीं मरता, फिर सारी की सारी बातें तो यही हैं। अगर उन्होंने लगाया है अल्लाह के विरुद्ध पे तो बस लगे रहिए, यही तो कामयाबी है। अपने हाथों से अपनी जन्नत आपके नाम कर दी, दिल में भी कहिए वो है, वो हू के आलम में भी है,
मेरे मौला, रात के इस पहर में अजीब सा सन्नाटा क्यों होता है? बचपन से आज तक सिर्फ यही सोचता आ रहा हूं, मगर फिर भी मेरे सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। शायद इसलिए कि जस्तजू जारी रहे, शायद इसलिए खामोशी होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी बड़े तूफान से उसकी आमद से पहले बिल्कुल खामोशी हो जाती है। परवरदिगार, तेरी आमद तो हर वक्त ही है, मगर ये वक्त तेरा पसंदीदा है। जब तू जमीन पे आके कहता है कोई जिसके मैं कर्ज गैब से अदा कर दूं, है कोई जिसकी मैं मदद करूं, है कोई मांगने वाला, मेरे मौला इसी वक्त क्यों, इस वक्त की इबादत तुझे क्यों पसंद है? परवरदिगार, मेरे मौला तुझे रोती हुई आंखें क्यों पसंद है? परवरदिगार, तेरी जात के लिए क्यों का लफ्ज बिल्कुल नहीं है? हमें तो ये कहना चाहिए, क्या तुझे रोती हुई आंखें पसंद है? तू कहेगा हां। मेरे मौला, बहुत दर्द है, मगर अपना ही मजा है इस कायनात। जितने भी दर्द वाले दिल हैं, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे, उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे, उन सबकी ख्वाहिशात पूरी कर दे मेरे मौला। तुझे वास्ता है बीबी फातिमा तो जारा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीन आता कर दे, जो बेटों के तलबगार है उन्हें चांद जैसे बेटे, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर, उनके नसीब अच्छे फरमा। परवरदिगार, जो रिश्ते टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे खड़े हैं, उनकी रगों में लहू की जगह मोहब्बत भर दे मेरे मौला। परवरदिगार, जो रोटी के दो टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं उन्हें रिस्क हिलाल अता फरमा। हम सबके दस्तरखा हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे मेरे मौला। पाकिस्तान की सरजमीन को दुश्मनों की बद नजर से बचा, हर किस्म की फिकावारियत से बचा, हर किस्म की आफत से महफूज फरमा। उसके हुक्मरानों को तौफीक अता फरमा कि वो दीन के, वतन के और वतन में रहने वालों के काम आ सके। परवरदिगार, जो बीमार है उन्हें सेहत शिफाए कामला अता कर दे, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, बिस्तर पे पड़े आसमान की तरफ निगाहें उठाए हाय हाय कर रहे हैं मेरे मौला, उनकी हाय हाय में भी तेरा ही नाम चुभा है। सबसे बड़ा हकीम और तबीब तो तू ही है मेरे मौला। परवरदिगार, जो इस जहाने फानी से जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत पर जगह दे, अपने हबीब के गुलामों में उनका नाम लिख दे मेरे मौला। हम सबकी मौत का वक्त आसान कर देना परवरदिगार। जिस जिसने इम्तहान दिए हैं उनको कामयाबी अता कर, उनके जहनों को वसत अता कर। जो मुसाफिर इस वक्त कहीं जाए आ रहे हैं उनको खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जो लापता हैं उनको उनके अजीज व अकारिब से मिला दे। जो इस वक्त जेलों में है असीरान करबला के वास्ते मेरे मौला, उनको रिहाई का परवाना दे दे, उनके राह में रोशनियां डाल दे। परवरदिगार, तुझसे हमेशा ये दामन उठा के हाथ फैला के एक ही दुआ करते, हम सबको अपना फकीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना मेरे मौला। अभी किसी का मोहताज न करना। परवरदिगार, तेरे सामने फकीरों की तरह बैठे रहे, भले ही खाना न मिले, भले ही पानी की दो बूंदे न मिले मेरे मौला, हम तुझसे राजी हैं, बस तू हमसे राजी हो जाए। हमें नहीं पता, हमारा रब तो तू ही है ना, हम किसी और को रब नहीं कह सकते। परवरदिगार, बड़ा मान है तुझ पे, तू हमेशा रहमत नाजिल करता है, हम खताएं करते हैं तू अताएं बढ़ा देता है, हम नहीं जानते कि तू क्यों ऐसा करता है। परवरदिगार, बस हमारे ऐबों पर पर्दा डाल मेरे मौला, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा, दुनिया के सामने रुस्वा न करना, सिवाय हमें हुसैन के हमें कोई गम न दे। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता है मेरे मौला, उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार, इश्क और मोहब्बत का। और इसी के साथ आपका मेजबान राजा है तो इजाजत चाहेगा। अगर सांसों ने वफा की तो कल शाम 11 बजे आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। अपने कलेजों को बड़ा रखिएगा, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े पहाड़ टूटा नहीं करता। वो है ना ऊपर, जब उसने कहा कि मैं अपना महबूब भेज रहा हूं तुम लोगों पर रहमतों के लिए, तो बस रहमतें हैं, वो इश्क की इंतहा है। इश्क मेरे रब ने किया है अपने महबूब से, उसके महबूब ने किया ऊपर वाले महबूब से, रब से। जो रब ने कहा वो उसने कहा, और जो उन्होंने कहा आपने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब जो कह दिया वो हो गया।
اللہ کرے کل کا سورج محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان لے آئے. عشق کہاں کہاں جڑتا ہے نہیں جانتے آپ. عشق ہے نا, تلاش کیجیے, عشق ہی سب کچھ ہے.